दोस्तों आप कलर्स टीवी पर प्रसारित सीरियल सुहागन तो देख ही रहे होंगे, जिसमें हमें अभिनेत्री गरिमा कृष्णानी नजर आ रही हैं, जो कि अपने किरदार से दर्शकों का खूब दिल जीत रही हैं। और यही वजह है कि आज इन्हें पूरी टीवी इंडस्ट्री में सभी जानते हैं और इसलिए हर जगह इनका ही बोलबाला है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गरिमा कृष्णानी से पहले भी बिंदिया के रोल के लिए टीवी इंडस्ट्री की कई और अभिनेत्रियां रिजेक्ट हो चुकी हैं। पर आखिर वो सभी अभिनेत्रियां कौन सी हैं और क्यों रिजेक्ट हुई, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर एक, जन्ना जुबैर। सोशल मीडिया स्टार बन चुकी जन्ना जुबैर को बिंदिया के रोल के लिए मेकर्स ने सबसे पहले अप्रोच किया था, लेकिन इन्हें सीरियल की स्क्रिप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके चलते इन्होंने इस रोल को निभाने के लिए काफी ज्यादा आनाकानी की और मेकर्स को इनके सभी बहानों का पता लग चुका था, जिसके चलते मेकर्स ने खुद ही जन्ना जुबैर को इस रोल से रिजेक्ट कर दिया। नंबर दो, अनुष्का सेन। अभिनेत्री अनुष्का सेन भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्हें जन्ना जुबैर के बाद बिंदिया के रोल के लिए मेकर्स ने अप्रोच किया था, लेकिन अनुष्का सेन इतनी ज्यादा हाई फीस की डिमांड की और मेकर्स का इतना बजट नहीं था, जिस वजह से मेकर्स ने अनुष्का सेन को इस रोल से रिजेक्ट कर दिया। नंबर तीन, उल्का गुप्ता। अभिनेत्री उल्का गुप्ता भी बिंदिया के रोल के लिए मेकर्स को एकदम परफेक्ट चॉइस लगी थी, लेकिन उल्का गुप्ता ने जब स्क्रीन टेस्ट दिया तब ये बिल्कुल भी पास नहीं हो पाई और ये बिंदिया के रोल को ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, जिसके चलते मेकर्स ने इन्हें इस रोल से रिजेक्ट कर दिया। नंबर चार, रोशनी वालिया। भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप सीरियल में नजर आई अभिनेत्री रोशनी वालिया को भी मेकर्स ने बिंदिया के रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन रोशनी वालिया इस सीरियल की टाइमिंग चेंज करने के लिए डिमांड कर रही और मेकर्स इनकी ये डिमांड पूरी नहीं कर सकते थे, जिसके चलते मेकर्स ने इस रोल से ही इन्हें रिजेक्ट कर दिया। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है सीरियल में बिंदिया के रोल के लिए इनमें से कौन सी अभिनेत्री बेस्ट रहती? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।